बड़े हो रहे थे यार। मैंने जब सब छिला ना उसके अंदर से लाल लाल निकला रही है। आज एक कुंदरू ने मेरा हार्ट अटैक कर दिया था कि परवल को लाल लाल क्या हो गया करके। परवल, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ठीक ठाक होंगे? और अभी बचे हैं 7:15 और क्या मस्त मस्त बारिश हो रही है। सुबह सुबह झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ पर चलिए बच्चों के लिए लंच बनाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ा पाव। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, उस दिन पाव लेके आई थी ना, आपको वीडियो में दिखाया था, तो आज वही बना रही हूँ। पाव को मैंने यहाँ पे घी में सेक लिया है और यहाँ पे बड़े हो रहे तैयार। दिया ने तो नाश्ता कर भी लिया। दिया, नाश्ता कर लिया ना तूने? और कैसा हो रहा है ये देख, बता दो सही है? अच्छा हो रहा है। कहीं मुँह में हाथ क्या है? मुँह में लगा है क्या? बड़ा लग गया? देखो ले जाओ, निकालूगा। यहाँ पे सारे बड़े बनके तैयार हो चुके हैं और इस तरह से मैंने पाव के अंदर भर दिए हैं बड़े को। इसमें चटनी अटनी पसंद डाल सकते हो लौंग चा, पर मैंने सिंपल ही दे रही हूँ क्योंकि दिया ऐसी पसंद करती है सिंपल, तो ऐसे दिया को पैक करके दिया को दे देंगे। मेरी हो रही है लंच बनाने की तैयारी। अभी मैं बैठी हूँ इनके साथ यहाँ पर जस्ट, और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना तो आज छत पर नहीं गए, आज हम लोग बस बैठे कमरे में बैठे हुए। जो सब्जी लाई थी जिसे मैं परमल बोल रही, परमल नहीं निकला, वो निकला कुछ और ही। जब मैंने अभी सुबह काटा ना, मैंने सोचा क्या पता देसी और पहाड़ी परमल होता होगा, कुछ इस टाइप का होता होगा, तो ये परमल टाइप का। तो मैंने जब सब छिला ना उसके अंदर से लाल लाल निकला रही है। मैं तो डर गई कि सब्जी को क्या हो गया लाल लाल, और सिर्फ दो या तीन में ऐसा निकला हरा, और सारी जितनी थी ना सबकी सब लाल की लाल थी। मैंने काट तो दिया है और मैंने सोचा इसको बनाऊँ कैसे, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं आता कि लाल वाला बनाते नहीं बनाते हैं, और हरा भी निकल गया। तो अभी मैंने यूट्यूब में भी सर्च करा उसके बाद, तो उसको ना परमल नहीं बोलते, उसको बोलते कुंदरू। इस सब्जी का नाम कुंदरू है। तो अभी मैं सब जब मैंने इसमें देखा तब जाके मुझे सांस पे सांस आई कि हाँ इसकी सब्जी बनती है कुंदरू की, और लाल लाल होते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाल की सब्जी नहीं बनती है। मैंने सोचा नहीं लाल टमाटर जैसा क्या निकल गया अंदर, या पक गया ज़्यादा या कुछ हो गया। तो अब मैं फटाफट बना दी इस कुंदरू की सब्जी बना लेती हूँ। आज ये कुंदरू ने मेरा हार्ट अटैक कर दिया था कि परवल को लाल लाल क्या हो गया करके। परवल तो अच्छा मैंने देख लिया, मैंने सोचा प्लेन सी अलग परवल होंगे, प्लेन सी और पहाड़ी होते हैं ना सब्जी, क्या पता। तो मैं फटाफट इस कुंदरू को बनाती हूँ पहले। और ये सैंडी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे 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 लगी है, देखो अभी हाँ भी आ गई मैं, मतलब जहाँ मैं जाऊँगी वहीं जाएंगी। यहाँ पर चढ़ा दी मैंने कुंदरू की सब्जी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया, खाली सिंपल जो मसाले रह गए सब्जी के लिए बनते हैं बस, वही मसाले तैयार किया और सीधे कुंदरू डाल दिया। और यहाँ पे बन गई मेरी दाल, मिक्स दाल नॉर्मल। और अभी बज रहे हैं 8:30 और छत में एक देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है, पूरा ऊपर कोहरा लगा हुआ है, पहाड़ को पहाड़ दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और चाहे पापा रोज़ की तरह हमने टेरेस गार्डन पे आ चुके हैं मस्त मस्त फूल के लिए, ये देखिए, और मस्त हवा। और मिर्चें तो हमारे इतनी मस्त हो रही है ना, क्या बताऊँ। और हमारे यहाँ ये पुटकी वाली मिर्ची भी होने लगी है। पहले ये मेरी नानी लोग के यहाँ थी और मम्मी लोग के वहाँ थी, फिर उसके बाद बीज हम भी ले आए थे, फिर काफ़ी मम्मी लोग, अब उन लोगों के पास बीज नहीं है। अभी लास्ट बीज एक बचा था जो मेरे वहाँ हुआ है, और ये बहुत तेज़ मिर्ची होती है। ओह क्या कीड़ा है मेरे ऊपर, और ये सैंडी आ गई मुझे परेशान करने के लिए, ये देखो, ये जब देखो मुझे परेशान करने आ जाती है। सुबह सुबह करना जा रहा हूँ, सामने पहाड़ बिल्कुल भी दिख रहे हैं, और समय से दिखते थे ना पहाड़, आज बिल्कुल गायब है पहाड़। और अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, लंच हमारा लग चुका है और अभी बजने वाले 12:15 बज चुके हैं, और आज हमारा लंच नहीं हुआ है। चलो पानी दे, पापा को पानी दे, गले लगा क्या पापा कर रहे हैं। और आज जो सब्ज़ी बनी है मस्त मस्त खा के देखो कैसे खाने में सब्जी, बता दो पहले, मैं तो डर रही थी बनाने में। सही हो रही है, मतलब अगली बार ला सकती हूँ मैं सब्जी को? बिल्कुल ला सकती हूँ पापा। तूने खाई नहीं बिल्कुल ही, क्यों बोल रही है? नहीं क्यों लग रही है, तू करेला सोच रही है इसको। और अभी बज चुके हैं 4:10, और अभी मेरी चल रही है सब्जी की कटाई, जो मैं कल सब्जी लेके आई थी सारी, तो उनका काम चल रहा है।
उन सबको काट के बॉक्स में रख के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और सब्ज़ी कटी हुई ना तो फटाफट बनाने को आसान हो जाती है, तो मैंने इसलिए सब सब्जी कटे काट लेती हूँ। भिंडी मैंने काट ली है, बीन मैंने काट लिए, अब करेले बचे हैं, करेलों की बारी है, इनको भी काट के रख लेती हूँ या सामो शायद करेले बनाऊँ। इन तीनों में से एक चीज़ बनाऊँगी, भिंडी करेला या बीन में से। बीन मैंने काट के ऐसे बॉक्स में रख दी है, इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे आराम से, जब मन हो फटाफट बना लेंगे। और ये भिंडी है, भिंडी भी कट चुकी है, इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। और इसको ऐसे डिब्बों में पैक कर दिया और रख दूँगी फ्रिज में। और अब रह चुके हैं करेले, इनको भी फटाफट काट लेती हूँ, देखती हूँ या तो बनाती हूँ इनको या तो फिर इनको भी ऐसे डिब्बों में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जैसे कटे हुए ना सब्जी तो फटाफट बनाने में आसानी हो जाती है, सीधे निकालो फटाफट बनाओ। और यहाँ पर सारे करेले कटे हो चुके हैं तैयार। अब इसको आप किसी भी आकार में काटे, हमने पसंद के चाहे गोल काटिए चाहे लंबे लंबे काटिए। और अभी बजे हैं शाम के 6 और मेरी तैयारी चल रही है डिनर बनाने की। मैंने सोचा सब्जी बना के रख देती हूँ, दाल सुबह की वैसी पड़ी है, दिया ने खाई नहीं सुबह, जो मैंने नाश्ते में दिया के लिए पाव और पाव बड़े बनाए थे ना, तो दिया ने वही खाए स्कूल से आने के बाद भी, तो अभी खाना सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। शाम के लिए दाल हो जाएगी आराम से, सब्जी भी हो जाएगी होने को, तो पर फिर भी थोड़ा सा करेले की सब्जी बना लेती हूँ। और जो कुंदरू की जो सब्जी बनाई थी ना मैंने बैगन, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा, मतलब मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसी लगी, तो ये तो बोले थे कि अच्छी लगी, मैंने कहा दोबारा मैं लाऊंगी तब खा लोगे, तो उन्होंने ओके बोला, पर जब मैंने खाई ना वो बहुत खट्टी हो रही थी। कभी कभार खाने के लिए तो ठीक है, पर जैसा जो रेगुलर सब्जी होती है करेला लौकी बैगन कद्दू शिमला मिर्च बीन भिंडी, ये जो रेगुलर सब्जी होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये रेगुलर ला पाऊँगी इनके बीच में। कभी कभार महीने में एक बार जो सीजन के टाइम पर आएगी या सीजन में एक या दो बार बना ली ऐसी बनाऊंगी, क्योंकि खट्टी बहुत हो रही थी वो सब्जी। मतलब खट्टा तो मैं खाती हूँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही खट्टी लग रही थी, या तो भी ऐसा हो सकता है उसमें टमाटर डालना नहीं पड़ेगा। एक बार ट्राई फिर और करूँगी बिना टमाटर डाले, तब भी अगर खट्टी होगी तो उसके बाद महीने में एक बार, वो भी जब सीजन के समय में एक बार बना लूँगी। जी की तैयारी हो रही है शाम की, बच्चे थोड़ा पीछे गए हुए हैं, थोड़ा पेन वेन लेके आना है, बोल रहे हैं कॉपी पेन लेके आना है, तो लोग जा चुके हैं। और अभी मैं ये करेले की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तेल मैंने यहाँ पर रख दिया गर्म करने के लिए, और करेले मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिए हैं, और पता है थोड़े बहुत जल भी गए मेरे करेले। वो क्या हुआ ना, बहन साहब फ़ोन में गप्पों में रह गई और करेले जल गए इसलिए। और बस तेल गरम करती हूँ, और मैंने कम तेलों में इनको फ्राई किया और कम तेल में बनाऊंगी, ये नहीं कि मैंने फ्राई किया तो मैं ज़्यादा तेल उसमें लगेगा। मैं भिंडी भी फ्राई करके बनाती हूँ, पहले मैं सिंपल से बनाती थी, पर मैंने गौर के जितने बार मैं सिंपल बनाई थी थोड़ी सी वो लस्सी टाइप की हो जाती थी, पहले फिर बाद में मैं आमचूर डालती थी या आम काट के डाल दो सीजन के समय, तो तब ठीक हो जाती थी, पर जब से मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया ना तब से सब वो मतलब सही होती है। बट ये है कि फ्राई करने में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़े से तेल में फुल आँच में फ्राई कर देती हूँ, बस हो गया। और अब बराबर यहाँ तेल गर्म करके इसको बना लेती हूँ। बच्चों से बोला था मैंने कि बाहर चलते हैं शॉपिंग करनी थी, क्योंकि दिया की शॉपिंग करवानी है मुझे, पर अभी दिलों तैयार नहीं होते, कहते नुमाइश चलेंगे ना, अपना नुमाइश गए ना मुझे मेरे साथ ही लोग शॉपिंग करने के लिए आए, तो फटाफट मैं पहले सब्जी की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे करेले मैंने अच्छे से फ्राई कर दिए, और देखिए कोई कोई करेले तो खतरनाक जल गए, जैसे ये बेचारा जल गया, इसको हटा देती हूँ, तेज आँच में करती हूँ ना फ्राई। और साथ में बहन का फ़ोन आ गया था, चक्कर में जल गए थोड़े बहुत जले, ज़्यादा नहीं जले। और मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने को फिर से दे दिया सरसों का तेल, सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं सब सब्जियाँ। और थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया था ना मेरा ये ख़राब हो रहा है, इसकी जो लाइट है ना वो जल नहीं रहा है, तो अब फटाफट करती हूँ। थोड़ा मुझे इसको साफ़ भी करना है, चिमनी को भी थोड़ी गंदी हो रही है, फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पर करेले की सब्ज़ी लगभग बन के मेरी तैयार हो चुकी है, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ डालना रह गया है, वो है आम। आमचूर डाल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि मैं करेले की सब्ज़ी में आमचूर डालती हूँ, अगर आमचूर आम का सीज़न अभी चल रहा है तो मैं कच्चे आम डालूँगी। ये मैंने फ्रिज में फ्रीजर कर दिए थे, और इससे खट्टा खट्टापन आएगा सब्ज़ी में, तो मैं यहाँ पर इतने आम के टुकड़े करेले की सब्ज़ी में डाल दूँगी, इसको फटाफट काटती हूँ महीन महीन और फटक से डाल देती हूँ सब्ज़ी में।
और मैंने ये काट दिए तरह से महीन महीन, और अब मेरे में कच्चे आम जो मैंने फ्रिज में फ्रीजर किए थे स्टोर करके रखे थे फ्रीजर में, ये इतने रह गए। अगर मैं सब्जी मंडी गई, क्योंकि इधर साइड को कल तो मुझे कहीं दिखे नहीं कच्चा आम, अगर मैं सब्जी बड़ी सब्जी मंडी गई अगर मुझे वहाँ कच्चे आम दिखे तो मैं वहाँ से लेके फिर से उसको फ्रीजर में स्टोर कर लूँगी। और इसे मैं फटाफट डाल देती हूँ सब्जी में, और जब हम लोग सब्जी खाते हैं ना उस टाइम पर बीच में जो खट्टा खट्टे आते हैं ना बीच में तो अच्छे भी लगते हैं, और जो हमारी करेले की सब्जी ना बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगती है। और इसे मिला करके ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद कर देंगे गैस बंद और हो जाएगी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी। लगभग लगभग तो रेडी हो चुकी है ये। और ये शेयर दिया आ चुके हैं पीछे से, और बताए क्या लेके आए हैं हमारे, आइसक्रीम लेके आए हैं ओरियो वाली आइसक्रीम। सही है सही है। हाँ क्या स्टार्टिंग में क्या वो है क्या बिस्किट है, मेरी भी तो खोल दो भाई ये है, मैंने वो ढक कर दिया। शेयर ने तो ऑपरेशन ही कर दिया हमने उसका। तेरी भी निकल जाएगा शेयर, ढक दिया ढक्कन। साफ सुथरी बच्ची है तू, बस रूम मत दिखाना, बस मुंह मत दिखाना, बस रूम मत दिखाना। अच्छा रूम मत दिखाना, रूम तो तुम्हारे इतने सुंदर है कि क्या बताऊं। हां हां माशाल्लाह। थैंक यू 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 फॉर आइसक्रीम, वेलकम मॉम। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। हां शेयर दिया ये से निकल दिया रे, कहीं में जोर से पत्थर नहीं गिरेगा दिया देखना। अरे ढक्कन मेरा तो कुछ ज्यादा ही निकली है। चलो 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 एंजॉय करते हैं आइसक्रीम पहले, ठीक अच्छी नहीं हो रही है, फिर बुरा लाते हैं। इसे नहीं मांगा दिया तो नहीं मांगा, मैं खाऊंगी कोई बात नहीं, अगली बार से सिंपल लाना। हाँ आइसक्रीम मिल गई या प्लीज, मैं बगैर ढक्कन नहीं खाऊंगी ये ना, पर इसकी जो आइसक्रीम लगी वो मैं खाऊंगी, इसके ऐसे मैं खाऊंगी। चीची क्या करती है आइसक्रीम का सर लतर पतर कर दिया, क्या सही वाह हाथ धो गई ऐसे खाऊं। अभी अभी आई है यहाँ पे और ये मुझसे कुछ पूछने आई है कि दीदी जो हम लोग दिन मंगल बाजार से सब्जी लेके आए थे जो उसमें हम लोग परमल लेके आए थे वाली सब्जी को देख के ये भी डर गई है कि एक उसके ये सब्जी खराब है क्या है करके। मैं इसको बता रही बेटा अभी अभी मेरा भी वही हुआ था, ये कुंदरू सब्जी है इसको आप पका सकते हो करके, बेचारी इसको भी कन्फ्यूजन हो गया जैसे मेरा हार्ट अटैक आया था तेरा भी हार्ट लग गया था, हार्ट अटैक लग रहा है मौना करी, मैं तो ऐसा कहती हूँ इसको खा के पता चला कहीं कुछ और जो ना हो जाए। आज ही सब ने आज ही सब कुंदरू ने हमारा हार्ट अटैक ही निकाल दिया है सच्ची में। अब बनाएगी भावना बोली, मैं अब उसको बनाती हूँ, अब उसको पता चलेगी कि सब्जी सच्ची में इसकी सब्जी बनती है। इसको बना ले, मैंने तो आलू नहीं डालता, तू आलू डाल के बना ले। हाँ थोड़ी खट्टी खट्टी होती है, हाँ तू डाल बना आराम से। कुंदरू बनाती हूँ ट्राई, बना 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 अच्छी होती है, खट्टी खट्टी होती है थोड़ा, तू आलू डालना, मैंने आलू नहीं डाला है बस हो गया, तू आलू डालना, बैठा चाय पी कॉफी बनाओ। चलो ठीक है अपना वो बेचारी हाल उठेगा, ये सब्जी तो बड़ा गजब कर दिया सब्जी ने हमारा, बाहर हवा अच्छी चल रही है, बारिश होती है लग रहा है, है? बारिश होती है। अरे सैंडी को देखो बदमाश का। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, अभी ठीक बज रहा है 6:30 और मेरी तैयारी चल रही है बच्चों की सुबह नाश्ता बनाने के लिए, रोटी बना दूंगी और चने बना दूंगी, चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे और अभी फटाफट अपनी प्याज वाले काट के सोच रही हूँ फटक से चने और रोटी बना देती हूँ। और अभी जस्ट मैं प्याज ना टोकरी से निकाल के लाई हूँ, आपने देखा था मैंने प्याज स्टोर किए थे, जो थोड़े बहुत प्याज है जो थोड़े बहुत गलने लग गए हैं तो मैं उन्हें छाट छाट के ले आई हूँ, प्याज पहले जो ज़्यादा गलने लग गए बरसात के कारण उसको यूज करती हूँ पहले, फिर बाद में फिर और। अभी शायद ये लोग ऊपर नहीं आए जिस सभी आते होंगे तैयार हो जाएंगे, और अभी सुबह उठ के ना पीने का पानी कुछ भी नहीं किया हुआ है, अभी इनको दूध देना है और इनके लिए और मेरे लिए चाय बनानी है, फटाफट इनके लिए दूध गर्म करती हूँ और पहले चाय बनाऊंगी, पहले बच्चों का नाश्ता बना के तैयार करके लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ चाय बनाने का काम अपने लिए, तो फटाफट मैंने फटाफट बनाती हूँ इसको।
जॉय लंच बॉक्स तैयार है, दिया कर रही है नाश्ता। देखो मुँह छुपा दिया फिर से, इसने ना बाहर ना हल्की फुल्की बारिश आ रही है तो इसलिए हम लोग छत पर नहीं पीने चाहिए भेजी पी रहे आजकल, क्योंकि रोज सुबह के टाइम बारिश आने के कारण है चली हुई पता नहीं क्या गिरी है। तो फटाफट चाय पी लेते हैं, इंजॉय करते हैं और ये लोग जा रहे हैं स्कूल को, क्योंकि कल क्या हुआ क्या ना खाना आने के बाद बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा है एंड करने का ब्लॉग का। तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।